अक्षय कुमार और भूमि पडनेकर की बहुचर्चित फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से मिलती जुलती कहानी लखीमपुर खीरी के मनोरा गांव की है। लखीमपुर खीरी के नीम गांव की रहने वाली रेखा की शादी लखीमपुर खीरी के मनोरा गांव में हुई थी। नई नवेली दुल्हन जब ससुराल पहुंची तो पता चला कि यहां पर शौचालय नहीं है। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद रेखा मायके चली गई और वापस ससुराल आने के लिए मना कर दिया। उसने अपने पति से कहा कि जब तक शौचालय नहीं बनवाओगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। करीब 2 महीने तक रेखा अपनी ससुराल वापस नहीं आई, जिसके बाद रेखा के पति ने गांव के प्रधान से बात की। ग्राम प्रधान द्वारा आश्वासन देने के बाद रेखा अपनी ससुराल वापस आई। इसके बाद ग्राम प्रधान ने रेखा को 6,000 का चेक भी दे दिया। इस बात की चर्चा पूरे जिले में हो रही है, लोग रेखा की प्रशंसा कर रहे हैं। नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, आपकी नई शादी हुई थी जिसके बाद आपकी पत्नी मायके चली गई ये कह के कि शौचालय नहीं बना है, आपने क्या प्रयास किए उसके लिए? कुछ परिस्थिति के कारण शौचालय ना बनवा पाए क्योंकि पैसे की कमी थी, इसीलिए अब पैसा आ गया है जैसे सरकारी तो उसकी वजह से शौचालय बनवा रहे हैं। कितने शादी को कितना टाइम हुआ था जब ये मायके चली गई थी ये कह के कि शौचालय नहीं, जब शौचालय बन जाएगा तभी वापस आएंगे? यही 2 महीने हुए। मेरे ख्याल से उसका सही निर्णय था क्योंकि शौचालय ही घर की इज्जत होती है और बहू भी हमारे घर की इज्जत होती है और उसे बाहर शौच के लिए किसी भी बेटी बहू को नहीं जाना चाहिए। और जिस घर में शौचालय ना हो, मेरा भी कहना है या तो जल्द से जल्द बनवा ले वरना हर लड़की को यही कदम उठाना चाहिए। मेरे ख्याल से रेखा का ये सराहनीय कदम था। इनके जो सास ससुर हैं इनके कहने के अनुसार शौचालय नहीं, हमारी बहू नहीं आ रही, तो हमने तुरंत उसको उससे बात की, इन लोगों से बात की, कहा उसको बुला लीजिए, ठीक है शौचालय आपका बन जाएगा। मैंने कल 6,000 की चेक इनको दे दी और काम चालू हो गया है। कल गड्ढे उड्ढे बन गए हैं, बहुत जल्दी इनकी समस्या का निदान हो गया। बाइक की टक्कर से 2 युवक गंभीर घायल। पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के बिजुआ कस्बे का है, जहां तेज रफ्तार बाइक चालक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक के पीछे बैठा एक युवक समेत एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं मौके से बाइक चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बिजुआ निवासी पप्पू राठौर अपनी दुकान जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से आ रहे बाइक चालक ने पप्पू को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया, साथ ही बाइक के पीछे बैठे अवधेश को भी गंभीर चोटें आईं। लोगों की मदद से घायलों को बिजुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैं दो लोग, एक जो उसके साथ कोई आया नहीं है, अवधेश नाम उसका है, और दूसरा एक राठौर है, समोसे और चाय बेचता है। उसकी थोड़ी सी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हेड इंजरी उसको हुई है। तुम लोग पैदल आ रहे थे? हाँ, हम पैदल जा रहे घर। तो टक्कर किस चीज़ से हुई? टक्कर मोटरसाइकिल से। कितने लोग घायल हुए? अकेले हमारा लड़का, वो उसको मोटरसाइकिल वाला बैठो बोल लेगा। लखीमपुर खीरी जिले के ग्राम गोविंद नगर में उत्तर प्रदेश में संचालित विकास कल्याणकारी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण एवं छूटे हुए पात्रों को योजना का लाभ दिलाने के लिए खुली बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम की खुली बैठक में ग्राम प्रधान जाकिर अंसारी, सेक्रेटरी सर्वेश कुमार, पंचायत मित्र सोनू शर्मा, ग्रामवासी सतपाल विजय एवं महिलाएं भी उपस्थित रहीं।